सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन के मेजेंटो का टेक्नोलॉजी स्टैग क्या है आसान लफ्ज़ों में कौन सी टेक्नोलॉजी मजेंटो uh, के अंदर यूज़ हुई हुई है इसका सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मालूम होना चाहिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमने अभी जैम्प कॉन्फिगर किया है उसके अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं मोर लेस हमारे लिए मोरलेस तकरीबन वही चीजें हैं जो मजेंटो भी यूज कर रहा है एंड दैट वॉज द कोर रीजन कि मैंने ज़ैम को अलग से डिस्कस किया है कि जब हम यहां पर डिस्कशन में आए तो वी वी शुड नॉट वी हैव एनदर ओपन डिस्कशन का ये क्या चीज़ है तो बेसिकली मेजेंटो का वेब सर्वर भी अपाची है जो जैम्प में था यानी जो वो जगह जहां पे आपका पेज होस्ट होना है दैट इज अपाची डेटाबेस इस केस में माई एस क्यूल है मारिया डी बी है या माई एस क्यूएल है इसके अंदर एक और वर्जन है माई एसक्यूएल का माई एसक्यूएल परसोना ये बेसिकली डेटा बेस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल रखता है कि जो इंडेक्सिंग uh, हुई हुई है कि नहीं हुई हुई uh, जो डेटा बेस की क्यूरीज हैं यानी जो डाटा बेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ये ऑप्टिमल ऑप्टिमल फॉर्म में रखता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज हुई हुई है दैट इज़ पी एच पी यानी जो कोर पी है वो यूज़ हो रही है और जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे दैट वुड बी विंडोज सो अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें तो जितनी चीज़ें हमने जैप में डिस्कस की थी मोर और लेस एक्सेप्ट डेटाबेस परफॉर्मेंस वाली चीज़ माई स्कोर परसोना तकरीबन सारी चीज़ें वो ही हैं सो so, आप असेंशली यूं समझें कि हम जैप को ही यूज करेंगे आगे जाके मजेंटो को मजेंटो को कॉन्फिगर करते वक्त सो दैट्स दैट टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट नेक्स्ट थिंग जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है एक कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स स्टोर के अंदर प्लग इन अब वो प्लग इन फॉर मेजेंटो हो या हम आगे जाके देखेंगे प्लग इन फॉर प्रेस्टोशॉप प्लग इन ये कहता है कि आप एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को या तो इन्हांस कर सकते हैं या उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ ऐड कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं इसको बोलते हैं अ टेक्निकली अ प्लग इन लेकिन जो मेजेंटो है या प्रेस्टर शॉप है इसमें प्लग इन लिखने के लिए यानी खुद से प्लग इन लिखने के लिए आपको यू नीड टू हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग और टेक्निकल एंड प्रोग्रामेटिकल बैकग्राउंड कुछ फ्री प्लग भी अवेलेबल हैं लेकिन स्टिल जब आपने भी जब आपने फ्री प्लग भी यूज करना है तो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए लग इन का कॉन्सेप्ट यह है कि आप जो भी मेजेंटो के अंदर एग्जिस्टिंग हमारे पास फंक्शनैलिटी है आप उसमें कुछ फॉर एग्जाम्पल एड करना चाहते हैं एक्सटेंड करना चाहते हैं ताकि हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट उससे मीट हो जाए आसान सी एग्ज़ाम्पल इसकी ये भी हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोडक्ट है आपकी प्रोडक्ट uh, के अंदर कैटेगरीज uh, हैं तो आप ये चाहते हैं कि जो कैटेगरीज हैं उसकी अंदर सब कैटेगरीज हों लेकिन सब कैटेगरीज सिर्फ दो लेवल तक हों, फॉर एग्जाम्पल यानी मेन कैटेगरीज सब कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की फर्दर सब कैटेगरीज अब जो मेजेंटो फ्री वर्जन है वो आपको कैटेगरीज की सब कैटेगरीज को बनाने देगा लेकिन सब कैटेगरीज की जितनी मर्जी आप सब कैटेगरीज और बना लें इट विल नॉट स्टॉप यू फॉर एग्जाम्पल तो एक एनहांसमेंट ये हो सकती है कि आप ऐसा प्लग इन लिख दें जो ये यूजर को कहे या यूजर को इतना एम्पावर कर दे कि वो कहे जी कि दो से ज्यादा सब कैटेगरीज ऑफ सब कैटेगरीज नहीं क्रिएट हो सकती फॉर एग्जाम्पल या आप ये आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि जी एक यूजर है उसने अगर फॉर एग्जाम्पल एक हजार प्रोडक्ट एड कर ली हैं तो आफ्टर एडिंग वन थाउजेंड प्रोडक्ट वो और प्रोडक्ट ऐड ना कर सके उसको पे करना पड़े फॉर एग्जांपल या कोई इस तरह की चीज़ें जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को इनहांस कर दें तो इस तरह के लिए आपको प्लग इन लिखना पड़ता है लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लग इन के लिए आपको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए लेकिन कुछ फ्री प्लग भी अवेलेबल हैं सो तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू के हमारे पास कौन कौन से फ्री प्लग इन अवेलेबल हैं सो फॉर एक्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर आप ऊपर लिखेंगे मार्किट प्लेस डॉट मजेंटो डॉट कॉम तो ये बेसिकली आपको मजेंटो की उस मार्केट प्लेस में ले जाएगा जहां पे आपके पास फ्री प्लग या पेड प्लग आपके पास अवेलेबल है अब यहाँ पे आप डिफरेंट एक्सटेंशंस यानी आप सर्च कर सकते हैं एक्सटेंशन मीन बेसिकली प्लग इन ही है जो टॉप के प्लग इंस हैं एस सी ओ फ्रंट एंड लेयर नेविगेशन अब देखें इट इज पेड तो मैं ऑल एक्सटेंशन पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे लेट सपोज जो आप देखें आपके पास ऊपर जो टॉप में आ रहा है नोस्टो सल्यूशनस टैक्स जार सेलेब अभी देखें ये फ्री है तो आपको यहाँ पे फ्री प्लग इन्स भी मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे लेट सपोज़ मैंने कोई अगर प्लग यूज़ करना है जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल ये टैक्स जार है लेट सपोज यहाँ पर क्लिक करते हैं लेट सी ये क्या कहता है अब ये देखें ये बेसिकली अब आपको ये कह रहा है कि ये आपको जो आपका सेल्स टैक्स है अगर आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली ये प्लगन का नाम है टैक्स जार जो आप अपनी एग्जिस्टिंग शॉप में इंटीग्रेट कर सकते हैं हर कंट्री का सेल्स टैक्स डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल यानी सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने का ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है तो दिस कैन बी वेरी हैंडी कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है उसका जो सेल्स टैक्स आपने फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स फाइल करना है एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये जो प्लग है टैक्स जार का ये आपके उस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करके दे सकते हैं उसके बाद अब आप ये देखें कि वॉन्ट इवन मोर ये अब ये फ्री है अब हमने कुछ अर्सा पहले फेसबुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ए का ये एक्चुअली वही चीज़ है जब हम ये कहते हैं कि हमने प्लग को मेजेंटो के अंदर इंटीग्रेट करना है या फॉर डिस्कशन किसी भी ऑनलाइन स्टोर में इंटीग्रेट करना है तो ए के थ्रू बातचीत होगी ये फ्री वर्जन है इसी का अब देखें आगे पेड वर्जन भी है द होल पॉइंट के अभी आपको स्क्रीन भी दिखा रहा है कि कहाँ भी जाके कॉन्फिगेशन होंगी क्या फ्लो होगा क्या क्या आपको स्क्रीन नज़र आएगी एंड सो ऑन अभी क्योंकि इसकी प्राइस ज़ीरो है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास और बहुत ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो फ्री हैं लेकिन यहाँ पेड भी हैं और ये आपके पास ये सारी की सारी वो आ रही हैं कैटेगरीज जो आपके पास अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन या प्लग इन जो आप अपने शॉपिंग कार्ट में एड कर सकते हैं टू इन्हांस योर फंक्शनैलिटी सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू कैन डाउनलोड हेयर लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए अदरवाइज यू विल लॉस समवेयर सो सिंपल आइडिया ये था कि आपको एक जरा ओवरव्यू बता दें कि एक्सटेंशन या प्लग क्या चीज़ है